केक लेने, शॉप ना बंद हो जाए इसलिए फटाफट आ गए थे। मैं पूरा ड्रेसिंग कर रही हूँ क्लीन, तो मम्मी बनाती है कढ़ाई वाले आलू का परांठा। ये दुपट्टा भी कैरी करना है। बोल सच्चे दरबार की जय। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। गाइस कल है 26 जनवरी और मेरी ऑफिस की है छुट्टी, और अभी मैंने ऑफिस से किया लॉग आउट और नितिका ने व्लॉग एंड किया था और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कल ऑफिस की छुट्टी है तो मुझे ही व्लॉग करना है, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है स्पेशली उस दिन मेरे को व्लॉग करना ही होता है। तो गाइस फिलहाल हम आए थे अभी केक लेने और केक पैक करा लिया, वैसे तो बहुत सारे हैं पर गुगू को कौन सा अच्छा लगता है, मूस केक ना। सो गाइस अभी ना हम केक लेने आए थे और ये देखो पैटिस खा रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसने बोला था कि मेरा स्टमक अपसेट है, खिचड़ी खानी है, खिचड़ी खा के पैटिस खा रही है। आधी तो केक हम लेके आ गए हैं। वैसे हमें ना रात को जाना है, अभी नहीं जाना था गुगू के घर, रात को 12 बजे के करीब ही जाएंगे। एक्चुअली बात ये थी कि शॉप ना बंद हो जाए और यही वाला केक लेना था, इसलिए अभी जाना पड़ा। चलो चलते हैं और कुछ खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। तो गाइस हमारी आदत है हम हर जगह ना लेट पहुँचते हैं, निकलना हमें 11:30 था पर अभी 11:45 हो गए और अभी तक हम निकले नहीं है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो अभी भी हम गुगू के घर में ही हैं, आए तो हम केक कट कराने थे बट यहीं रुक गए रात को। तो फिलहाल अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट, हम लेट हो गए, मतलब मैं लेट हो गया, बाकी सब तो खाना शुरू हो गए और ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी और पूड़ी। तो गाइस फिलहाल घर आ गए थे और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, वो भी आपको आके पता लगेगा। फिलहाल आए थे शॉपिंग करने और शॉपिंग कर रहे हैं हम कड़ों की। नितिका देख रही है कि कौन से पसंद करने हैं, फिलहाल पसंद आ गए हैं। एक बार मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखा रही है फिर फाइनल करते हैं। तो फाइनली मैं अपनी बैंगल्स लेकर आ गई हूँ। वैसे तो मैं कड़े लेने गई थी बट मुझे बैंगल्स ज्यादा पसंद आ गई। एंड गाइस बैंगल्स इसलिए लिए क्योंकि नाउ इट्स टाइम कि मैं अपना चूड़ा बधा दूं, क्योंकि 1.5 इयर्स हो गए। वैसे तो मम्मी बोल रही है कि जितना तेरा मन है उतना पहन ले, बट अब मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ इसलिए फाइनली अब न्यू बैंगल्स पहनूंगी। गाइस वैसे तो प्लान आज का ही था कि आज ही चूड़ा बधाएंगे, बट रात को गुगू के वहां रुक गए थे तो इतना लेजी फील हो रहा और नींद सी आ रही है, इसलिए आज मन नहीं किया। गाइस अब ये रस्म हम कल करेंगे। फिलहाल मेरे रूम में चल रहा है सफाई अभियान, अभी मैं पूरा ड्रेसिंग कर रही हूँ क्लीन, और सुबह बेड भी क्लीन करा था। वो देखो सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। गाइज वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो आज ना उठते ही सबसे पहले शार लिया, मैंने कल बताया था कि आज हमें रस्म करनी है चूड़ा बताने की, उसके लिए बस मैं बाहर आई हूँ छोटा मोटा सामान लेने। जैसे कि फूलों के बिना कोई काम पूरा नहीं होता तो सबसे पहले फूल लेने चलते। और गाइज आज धूप तो क्या मस्त निकली हुई है, ओए होए, लेकिन ना इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना, इसलिए मैं पूरा अपना सर लपेट के आई हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया है। एंड भैया मिलेंगे अंदर क्योंकि अभी बाहर से तो बंद किया हुआ है। भैया फूल मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएगा, दे दो। थैंक यू। कितने हो गए? 300। तो गाइस फूलों का काम हो गया, एंड अब चलते हैं प्रसाद लेने। एंड अभी तक कुछ खाया भी नहीं है और इतनी तेज भूख लग रही है। मम्मा ने यही बोला है कि पहले थोड़ा थोड़ा खा लो उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि खाली पेट रहना है या कुछ। तो मम्मी आज बहुत मजेदार चीज बना रही है हमारे लिए, वो भी आपको दिखाती है। गाइस अब देखते हैं कि मीठे में क्या लूं। तो गाइस प्रसाद भी ले लिया, थोड़ा सा ही लिया बिल्कुल बस मुंह लगाने के लिए। आलू के परांठे सब खाते हैं और मैं भी व्लॉग्स में बहुत बार दिखाती रहती हूँ, बट मम्मी जब बनाती है ना तो मम्मी बनाती है कढ़ाई वाले आलू का परांठा और ये मुझे इतना टेस्टी लगता है। गाइज आप भी जरूर ट्राई करना है ऐसे बनाना, क्योंकि ना बहुत क्रिस्पी परांठा बनता है। तो गाइज ये देखो कितना क्रिस्पी परांठा है, एंड चाय भी दे दिए साथ में। तो गाइज सेरेमनी तो मेरी है पर मम्मी की वजह से शुरू नहीं हो पा रही क्योंकि उनको पार्लर जाने की पड़ी हुई है। हेलो जल्दी जाओ और जल्दी आ रही हूँ। गाइज अब ये जा ही नहीं है तो मैंने सोचा चलो मैं भी साथ ही चल लेती हूँ, मैं क्या करूंगी, अपना काम हो गया, लेट्स गो टू होम। तो गाइज एक बड़ी सी परात ले ली है जिसमें से कि कच्ची लस्सी डालनी है, थोड़े से फ्लावर्स डालने हैं, और जिसको ये रीत करनी है उसको देख लो जरा एक बार क्या बन के बैठी हुई है, रेडी होना होता है इसमें। कैमरा घुमाना। वैसे तो मैं भी अभी रेडी नहीं हूँ और मम्मी ने बोला कि मुझे बहुत अच्छे से तैयार होना है। और गाइज इसमें हम मम्मा डाल दिए थोड़े से फ्लावर्स। सो गाइज सूट तो मैंने ये वाला वियर करा है, ऐसा कहीं बाहर तो जाना नहीं है, घर में ही तो सब करना है। थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, मैंने अपना मेकअप सारा इसमें रखा हुआ है क्योंकि ड्रेसिंग पूरा क्लीन हुआ है। तो गाइज आई एम रेडी, बस थोड़ा सा मेकअप किया, ब्लश लिपस्टिक एंड मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं, एंड मम्मा ने बोला है कि ये दुपट्टा भी कैरी करना है। गाइस सारी तैयारी हो गई है, एंड हमारे में ना जो सिस्टर इन लॉ होती है ना वो चूड़ा बताती है और फिर कुछ पिनाना होता है, तो मैं ये बैंगल्स लेकर आई थी जो हिमांशी ने गिफ्ट करी। सबसे इम्पोर्टेंट काम मम्मी का आशीर्वाद लेना।
जीते हो, खुश रहो। थैंक यू। बैकग्राउंड को इग्नोर करना, कपड़े पड़े हुए हैं वहाँ पे। और गाइस हिमांशी के पैर तो छू नहीं सकती लेकिन गले तो मिल सकती हूँ ना। तो गाइस ये रही मेरी बैंगल्स और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना लाइट फील हो रहा है ना हाथों में। मम्मी अब ये बताओ इनका क्या करोगे? ये ना चूड़ा है हैंकी में लपेट के। अच्छा। और फिर कभी जमुना जी जाएंगे तो उसमें डाल देंगे। अच्छा। और अब नितिका ने इसको देखना नहीं है। ठीक। और ये जो ये कच्ची लस्सी है ना ये पेड़ में डाल देंगे। ठीक है। तो गाइस ये वाला काम तो हो गया था, इट वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड अभी शिवानी आई है हिमांशी वगैरह के लिए, मैं सबके लिए बना रही हूँ टेस्टी सी मैगी। तो गाइस डिनर में हमने खाए कड़ी एंड चावल। अब आ रही है बहुत ज्यादा नींद, तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।